हमारे बीच में ये शंकाएं पैदा हो गई हैं। हमारे साझा पूर्वज हैं, हमारे हिंदू ज्यादातर हिंदू गुरुद्वारा जाते हैं, गुरुद्वारा वाले देवी मंदिर जाते हैं। ये कुछ समय पहले ही कुछ बीच में बीज बोया गया और वो बीज बोने वाले जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए और हमारे पूर्वजों के बारे में एक जो प्रमाणिक परिभाषा प्रशासन और सरकार की तरफ से देनी चाहिए जिससे ये विचारधारा का जो टकराव है वो खत्म हो। क्या लगता है सर आपको ये जानबूझकर फैलाई जाती है इस तरह? देखो, दो ढाई हफ्ते से हरियाणा और शहर का माहौल तो इतना खतरनाक हो रखा है कि प्रोटेस्ट करने के लिए हम भी हिचकिचा रहे हैं, हम भी इस प्रशासन के सहयोग में हैं। लड़के का पिता भी शांति चाहता है, कोई मतलब हा हुल्ला करने का हमारा भी कोई किसी तरह की मंशा नहीं है, शांति होनी चाहिए। और उनके पक्षधर जो अभी तीन चार दिन पहले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है शांति के लिए। अगर उन्होंने शांति के लिए प्रोटेस्ट किया है तो उनके जो प्रोटेस्ट करता थे उनको आना चाहिए और उनकी बाजू पकड़कर थाने में उनको गिरफ्तार कराना चाहिए जो अब तक फरार हैं। तब तो हम माने कि उनकी तरफ से शांति का प्रोटेस्ट किया गया था और वो भविष्य में शांति की अपेक्षा रखते हैं हम हिंदू लोग से भी। हर बार हिंदू ही शांति के लिए निकले, आज भी हम शांति के लिए निकले हैं। हम कृष्ण के वंशज हैं, अंतिम समय तक धृतराष्ट्र के पास शांति प्रस्ताव लेकर गया था वो, जो चारों वेदों का विद्वान था, चक्रधारी था, जिसके सारी की सारी 16 की 16 कलाओं में निपुण था, इतना ताकतवर व्यक्ति भी लास्ट तक अगर शांति प्रस्ताव लेकर जाता है तो हम उसके वंशज हैं। हम अंतिम श्वास तक प्रयास करेंगे कि हमारे देश में हमारे शहर में शांति बनी रहे। लेकिन अगर इसको अनदेखा किया जाता है तो हम एसपी साहब को ये बोल चुके हैं, अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं, चाहे हमें परमिशन मिले चाहे परमिशन ना मिले। सर आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या करेंगे सर? मैं पहले बोल चुका हूँ वैसे तो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर में हमारे प्रदेश में शांति बनी रहे, सभी धर्मों में समन्वयता बनी रहे, तो हमें कानून का पालन से करना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए, जो हमारा कानून है उसके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। तो सर क्या लगता है आपको, जो वो लोग वहाँ पर नारेबाजी इस तरह से कर रहे थे? नारेबाजी करना गलत है। देखो क्या है, कोई लोग यही बात है ना कि अपने अपने देश की मांग करना, कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है, कोई आजाद कश्मीर की मांग कर रहा है, कोई पाकिस्तान की मांग कर रहा है, ये चीजें गलत है। भारत एक है, प्रत्येक भारतीय का यही कर्तव्य है कि हम अपने देश की एकता और अखंडता के लिए प्रयास करें। प्रशासन से भी सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि वोटों को पोलराइजेशन ना करें और अपने देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना चाहिए। नमस्कार, मैं सोनम इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ जिला सचिवालय से, जहाँ पर इन लोगों के द्वारा जो कि आप सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि एक वीडियो वायरल हो रही है, किस प्रकार से जो है अभद्र बिहेव किया जाता है, इस तरीके से भेदभाव किया जाता है, तो उसके चलते जो है यहाँ पर ये लोग मौजूद हुए थे। आप लोगों से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शील्ड में मेरे सोनम के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ। इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।